आपको लिए चलते हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। सुप्रिया बेबाक तरीके से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती हैं। सुप्रिया जी, आपसे वादा किया था जब आंकड़े सामने आएंगे तो आपको शुभकामनाएं भी देंगे और जीत की बधाई भी देंगे, लेकिन अभी 10 तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक के संकेत साफ बता रहे हैं कि महागठबंधन को जबरदस्त बढ़त है अगर ये एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। सुप्रिया जी, जी धन्यवाद अंजना जी। और मैं खुश इसलिए भी हूं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनेगी और पुरजोर तरीके से बनेगी, मेरा अपना मानना इससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा। मैं खुश इसलिए हूं कि ये जो मुद्दा है, जो चुनाव है, ये असल मुद्दों पे लड़ा गया है। बिहार ने चुनाव में बेरोजगारी को, महंगाई को, विकास को मुद्दा बनाया है। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं बिहार में पिछले 25 दिन से थी, मेरा अपना मानना है कि ये अब राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। बेरोजगारी की जो आपदा आज देश झेल रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और बनना चाहिए। इसलिए मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत खुश हूं कि बिहार की इस क्रांतिकारी जनता ने ये किया है। मनोज जी बोल रहे थे लोग आके बड़ी तन्मयता से सुनते थे, मैंने उनका गाना सुना और अब बहुत अच्छा लगा उनका गाना सुन के, मुझे लगा बिरहा भी सुनाएंगे, लेकिन वो कह रहे थे तन्मयता से सुनते थे। तन्मयता से लोग इसलिए सुनते थे क्योंकि लोग बोर हो चुके हैं जुमलों से, जुमले लोग नहीं सुनना चाहते थे। अगर मनोज भाई हो या भाजपा का जो भी, वो सुने, जुमलेबाजी की जो उम्र होती है वो छोटी होती है। और आप लोग इसको नीतीश कुमार जी की हार तो बोल ही रहे हैं, इसको मोदी जी की भी हार बोलना पड़ेगा। जितने दिन हम बिहार में थे सारे पोस्टर पर तो मोदी जी थे, सारे पोस्टर से तो नीतीश कुमार जी गायब थे। तो ये हार सिर्फ नीतीश जी की हार कैसे, ये तो मोदी जी की भी हार है। जब जीतो तो मोदी जी की जीत, जब हारो तो एलआई की हार, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां तो तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, राहुल गांधी कहां खड़े हैं, इस सवाल के साथ मैं आऊंगी सुप्रिया जी आपके पास। लेकिन उसके पहले जल्दी से जरा अब तक के जो आंकड़े बिहार के निकलकर सामने आए हैं, अलग अलग पार्टियों को कितनी सीटें गई हैं उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी हम दे देते हैं। और ये देखिए, ये तमाम चेहरे जो अपने आप यह बताने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ ये मैंडेट सीधे सीधे यकीनन उनके लिए इससे बुरी बात, क्योंकि हम लोग भी जब बुलेट रिपोर्टर के जरिए या राजतिलक अंजना ने अलग अलग जगहों पर किया, श्वेता सिंह ने भी अलग अलग कार्यक्रम श्वेत पत्र की किया, हर जगह यही देखने को मिला था कि किस तरह की स्थिति नीतीश कुमार के खिलाफ है। और एनडीए आप यहां पर देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा पीछे और महागठबंधन से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की क्या स्थिति है, जरा मैं नजदीक जाके जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूं, क्योंकि ये आंकड़े अपने आप में बेहद दिलचस्प होंगे। देखिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 38 से 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जेडीयू को 26 से 34 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 2015 में 71 सीटें पाने वाली पार्टी वो 26 से 34 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एचएएम को 3 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 94 से 106 सीटें साल 2000 के बाद, महागठबंधन 2020 में 20 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे इस एग्जिट पोल में करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब यही आंकड़े क्या नतीजों में भी 10 तारीख को तब्दील होंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी 29 से 35 सीटें यहां पर हासिल करती हुई, 27 सीटें 2015 में उसको मिली थी, जबकि लेफ्ट पार्टियां यहां पर देखिए 12 से 20 सीटें लेफ्ट पार्टी हासिल करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर जेडीयू के लिए सबसे खतरनाक और बुरी स्थिति नीतीश कुमार जो जीत का दावा कर रहे थे, उन्होंने इमोशनल अपील की, ये कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, लेकिन यहां पर अंत भला तो महागठबंधन का भला होता हुआ दिखाई दे रहा है ये एग्जिट पोल।